धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए। अब हम लूटने नहीं देंगे देश को। भाइयों बहनों, एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काला धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काले धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काले धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? भाइयों बहनों, सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए ये फैसला मैंने लिया। 70 साल तक जो लूटा है उसको निकालना है और गरीब का घर बनाना है। 70 साल तक लूटा है, किसान के खेत में पानी पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब की झोपड़ी में बिजली का तार पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों से गरीब बच्चों की पढ़ाई करवानी है। 70 साल तक जो लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब बुजुर्गों को दवाई दिलवानी है। भाइयों बहनों, ये जो कुछ भी निकलेगा, ये सारा का सारा गरीबों की भलाई के काम आने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब हम लूटने नहीं देंगे देश को। और मुझे विश्वास है भाइयों, जिस देश में 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद हो, वहां पर काला धन का खात्मा संभव है, भ्रष्टाचार का खात्मा संभव है। भाइयों बहनों, देश अच्छी दिशा में जाने के लिए तैयार बैठा है।